नमस्ते बच्चों, मैं राहुल त्यागी, आपका विषय अध्यापक कक्षा 9। काव्य का भाग चल रहा है जिसमें हमने पहला चैप्टर पूर्ण कर लिया है। अब हम दूसरा चैप्टर लेकर उपस्थित हैं जिसमें हम मीराबाई के जीवन परिचय को हम पढ़ेंगे। मीराबाई के बारे में पढ़ेंगे कि मीराबाई का जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उनके पिता का नाम क्या था, कहाँ उनका जन्म हुआ, कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं, कैसी उनकी भाषा शैली है। इस वीडियो में हम उनके बारे में सारा विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे जीवन परिचय को। तो सभी बच्चे अपनी पुस्तक निकालेंगे और पुस्तक में मीराबाई की जीवन परिचय को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, मीराबाई जीवन अवधि सन 1498 में जन्म माना जाता है, 1540 ईस्वी में इनकी मृत्यु मानी जाती है। कवियत्री यानी परिचय, जो कवि होते हैं उन्हें, जो पुरुष होते हैं उन्हें कवि बोला जाता है, जो स्त्रियां होती हैं उन्हें कवियत्री बोला जाता है। ये स्त्री और पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। इस तरीके से नाम क्या था मीराबाई, पिता का नाम क्या था राव रतन सिंह, जन्म का कब हुआ उनका सन 1498 ईस्वी में, जन्म स्थान कहाँ चौकड़ी ग्राम राजस्थान, राजस्थान राज्य के अंदर एक चौकड़ी गाँव है उसके उसमें माना जाता है। भाषा कैसी थी उनकी, भाषा शैली भाषा थी ब्रज भाषा और शैली कहती भावपूर्ण तथा मुक्तक, इन्होंने शैली का प्रयोग किया है। इसमें प्रमुख रचनाएं क्या थी, नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद कटिका, राग गोविंद का राग गोविंद राग, राग सोठा के पद, मीरा का मल्हार, गरबा गीत, राग विरह, फुटकर पद इत्यादि इनके क्या रहे हैं बच्चों, इस तरीके से इनकी रचनाएं रही हैं। प्रमुख रचनाओं का नाम इन्होंने इसमें दे दिया है। इनकी मृत्यु कब मानी जाती है, निधन कब माना जाता है, इनकी मृत्यु मानी जाती 1540 ईस्वी में, 1540 ईस्वी में। साहित्य में स्थान क्या है, कृष्णा भक्ति कवियों में मीरा का स्थान विशिष्ट है, उन्हें भाव तन्मयता के कारण प्रेम दीवानी कहा जाता है। यानी भाव तन्मयता मतलब होता है वो जब किसी भी चीज़ के प्रति वो लगाव हो जाता है यानी प्रेम हो जाता है, दीवानी हो जाती हैं, इसलिए उन्हें प्रेम दीवानी का नाम दिया गया है। आइए अब हम विस्तार पूर्वक उनके जीवन परिचय को पढ़ेंगे। क्या कहते हैं, मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी के संबत 1555 विक्रमी को हुआ था। लगभग राजस्थान में मेड़ता के पास चौकड़ी गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम राव रतन सिंह तथा माता का नाम कुसुम कुंवर था। माता का नाम क्या था कुसुम कुंवर और पिता का नाम क्या था राव रतन सिंह। ठीक है बच्चों, ये जोधपुर के संस्थापक राव जोधा जी की प्रपोत्री एवं राव दादू जी की पोत्री थी। अगर जोधपुर के संस्थापक राव जोधा जी की तो क्या थी प्रपोत्री थी, और दूधा जी की क्या थी पोत्री थी। ठीक है, पोती थी। बचपन में ही माँ का स्वर्गवास हो जाने के कारण ये अपने पितामह यानी दादाजी के पास रही। पितामह किसको कहते हैं बच्चों, दादाजी को, और पोत्री में इसके होता है पोती। ठीक है, और प्रपोत्री में होता है पड़पोती, इसके इन्होंने नाम दिया इसमें। अब कहते हैं इनके पितामह बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, बड़े ईश्वर को मानने वाले थे, ईश्वर में आस्था रखने वाले थे। अतः मीराबाई के जीवन पर भी इसका पूरा प्रभाव पड़ा। उदयपुर के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ इनका क्या हुआ, विवाह हुआ। भोजराज व्यक्ति राजा हुए हैं, राणा सांगा का पुत्र था, उसके साथ इनका विवाह हुआ। 1516 ईस्वी में हुआ था इनका विवाह। विवाह के सात वर्ष बाद ही इनके पति की क्या हो गई मृत्यु हो गई। कहते हैं डॉक्टर नागेंद्र हिंदी साहित्य के इतिहास के पृष्ठ संख्या 234 में क्या कहा जा रहा है बच्चों, इनके बारे में कहा जा रहा है कि मीराबाई के जन्म तिथि के संबंध में विद्वानों ने पर्याप्त मतभेद है। कोई ऐसे मानता है, कोई कैसे मानता है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जिसका अंतराल में 1403 ईस्वी से 1516 ईस्वी तक फैला हुआ है, किंतु नवीन अनुसंधानों को और कतिपय अकाट्य प्राचीन प्रमाणों के आधार पर अब यह प्राय निश्चित है कि उनका जन्म 1504 ईस्वी और मृत्यु 1558 से लेकर 1563 ईस्वी के मध्य हुई है। ये किस में कहा जा रहा है, किसने कहा है, डॉक्टर नागेंद्र हिंदी साहित्य के जो इतिहास है उसके प्रश्न संख्या 234 पर इनकी मृत्यु के बारे में जो मतभेद इत्यादि बात निकल के आई थी वो इसमें इस पृष्ठ पर छपा हुआ है। ठीक है, आगे इनकी कृतियों के बारे में बात करते हैं। कहते हैं बच्चों, मीरा बचपन से ही कृष्ण की भक्ति करती थी, यानी क्या थी, भगत थी।
गोपियों की भांति मीरा माधुर्य भाव से कृष्ण की उपासना किया करती थी, पूरी प्रेम की तरह उनसे, उनके सुंदरता की, उनकी माधुर्य भाव की, उनकी अगर हम उनकी बात करें उनके बारे में, उनकी रूप के बारे में, उसकी पूरी तरीके उपासना किया करती थी। ये कृष्णा को ही अपना पति कहती थी, यानी कृष्ण को ही क्या कहती थी, अपना पति कहती थी। लोग लाज खोकर कृष्णा के प्रेम में लीन रहती थी। बचपन से ही ये अपना अधिकांश समय संत महात्माओं के सत्संग में व्यतीत करती थी। मंदिर में जाकर अपने आराध्य की प्रतिमा के समक्ष ये आनंद विहर होकर नृत्य भी किया करती थी। नृत्य मतलब डांस, नाचना गाना भी किया करती थी। इनका इस प्रकार का व्यवहार उदयपुर के राजा राज मर्यादा के प्रतिकूल था, यानी जो राजा थे उदयपुर के, जो राजा हैं उनके, राजा के जो राज मर्यादा होती है, नियम कानून होते हैं, वो मर्यादा से ज़्यादा ही भिन्न था, अलग था, प्रतिकूल था। अतः परिवार के लोग इनसे रुष्ट रहते। रुष्ट मतलब होता है नाराज। बच्चों क्या होता है इसका मतलब, नाराज। यहाँ तक कहा जाता है कि इन्हें विष भी पीने के लिए दिया गया, परंतु भगवान कृष्ण कृपा से, भगवत कृपा से इनके ऊपर क्या हुआ, विष का कोई प्रभाव नहीं हुआ। इनके गुरु एवं प्रेरक के रूप में संत कवि रैदास यानी रविदास का उल्लेख मिलता है। इन्होंने संत कविदास यानी रवि रैदास दास या रविदास के बारे में, इनके बारे में मिलता है, ये हरि तुम हरो जन पीर गीत गाते गाते भगवान कृष्ण विग्रह मूर्ति में विलीन हो गई। मीरा का भूलोक त्याग और परलोक गमन सन 1540 ईस्वी संबत 1603 विक्रमी द्वारका में हुआ था। यानी इनका पूरा, इनके चिट्ठा काटा मैंने पढ़ दिया है, इसमें पूरी बातें मैंने इसके बारे में पढ़ दी हैं कि मीराबाई कृष्ण जी की पूरी तरह भक्त थी, उनके प्रेम में दीवानी थी, पूरे समय अपना मंदिर में जाकर आराध्य क्या करती थी, पूजा पाठ क्या करती थी, ईश्वर में आराधना करती थी, इस तरीके से नृत्य भी करती थी, आदि कार्य करने पर लगी रहती थी। जिन पदों को मीरा भक्ति कृष्ण में विभोर होकर गाया करती थी वे ही उनकी रचनाएं थी। इनका संकलन इस प्रकार है, नरसिंह जी का मारा है, नरसिंह जी के बारे में कहा गया, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, राग सोठा के पद, मीराबाई का मल्हार, गरबा गीत, राग विराग और फुटकर पद आदि, इन्होंने बहुत सारी ऐसी रचनाएं लिखी जिसके बारे में इनका कहा जा रहा है। मीरा के काव्य भाषा शुद्ध साहित्य ब्रज के निकट है तथा उस पर राजस्थानी, गुजराती, पश्चिमी, हिंदी और पंजाबी का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इनकी काव्य भाषा अत्यंत मधुर, सरस, प्रभावपूर्ण है। यानी इनकी जो भाषा है बच्चों, बहुत ही सुंदर है, मधुर है, मीठी है, इतनी है कि व्यक्ति को बड़ी ही जल्दी तरीके से क्या है, समझ में आ जाती है। मीरा ने गीत काव्य की रचना की। गीत काव्य का मतलब होता है गायन शैली का प्रयोग किया। कृष्णा भक्ति कवियों की परंपरागत पद शैली को भी अपनाया। मीरा के सभी पद संगीत स्वरों में बंधा हुआ है। इनके गीतों में इनकी वेदनापूर्ण आत्मविभक्ति मिलती है। प्रियतम के समक्ष आत्मसमर्पण की भावना तन्मयता ने इनके काव्य को मार्मिक तथा प्रभावोत्पादक बना दिया है। यानी ऐसा बना दिया कि दूसरे व्यक्ति पर इसका 100% प्रभाव पड़ना ही पड़ना है। कृष्णा के प्रति प्रेम भाव की व्यंजना ही इनकी कविता का उद्देश्य रहा है। यानी क्या कहते हैं, कृष्ण के प्रति जो इनका प्रेम भाव है, इनका मुख्य उद्देश्य रहा है। जीवन भर मीरा कृष्णा की वियोगिनी बनी रही, यानी कृष्णा के वियोग में, यानी उसके प्रेम में दीवानी बनी रही। इनके काव्य में ही हृदय की मर्म स्पर्शी विहलता देखने को मिलती है। यानी पूरी जो मन को लगने वाली ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। इनके पदों में शुद्ध बौद्धिकता या दार्शनिकता नहीं है। श्रृंगार और शांत रस की गंगा यमुना एक साथ इस काव्य में बहती दृष्टिगोचर होती है। यानी श्रृंगार के बारे में, रूप सुंदरता के बारे में और शांत स्वभाव के बारे में इसमें पूरा दोनों रसों की प्रधानता दिखाई देती है, दृष्टिगोचर होती है। आज भी इनके गीत लोगों को भाव विरहल कर देते हैं। यानी ऐसे कर देते हैं, जो भी इन गीतों को गाता है तो वो किसी चीज़ का दीवाना हो जाता है। कृष्णा भक्ति कवियों की मीरा का स्थान भावना की तरंगों, कहते हैं कृष्ण भक्त कवियों में मीरा का स्थान जो रहा है भावना की तरंगों और आगत तन्मयता के कारण विशिष्ट है। हिंदी साहित्य में वे प्रेम दीवानी मीरा के नाम से आज भी विस्तृत हैं, यानी जानी जाती हैं, सुनी जाती हैं। कहा जाता है कि प्रेम दीवानी कौन हुई है, मीराबाई। किसके बारे में पढ़ा बच्चों हमने, मीराबाई के बारे में। मीराबाई ने अपने पूरे जीवन में, अपने पूरे समय में, जितना समय उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया है संसार में आकर, उन्होंने अपना सारा समय कृष्णा भक्ति में ही लगा के रखा।
कृष्णा को ही सब कुछ समझती थी, कृष्ण को ही अपना पति मानती थी, कृष्ण के प्रेम में दीवानी रहती थी। इस प्रकार से उन्होंने अपना पूरा का पूरा समय कृष्णा भक्ति में लगा के रखा और सारी की सारा समय उनका किस चीज़ में गुजर गया, ईश्वर की भक्ति में, आराधना में और कृष्ण की सेवा करने में ही इसलिए उनका जीवन गुजर गया। इसलिए उन्हें किसके नाम से जाना जाता है, प्रेम दीवानी मीरा के नाम से आज जाना जाता है। बच्चों ये था आपका मीराबाई का जीवन परिचय। अब इसका जो भाग होगा, इसका जो यानी जो इसका चैप्टर होगा मीराबाई जी का, मीराबाई का, उसे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।